नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। खबर बगास है, जहां स्वस्थ दृष्टि अभियान के तहत निशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आंख जांच कराकर शिविर का लाभ उठाया। दरअसल बगास प्रखंड के नरवा पंचायत भवन में शनिवार को स्वस्थ दृष्टि अभियान के तहत अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के द्वारा गरीब निसहाय लोगों का निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के करीब 150 से ज्यादा महिला तथा पुरुषों का निःशुल्क आंख जांच किया गया। वही शिविर का आयोजन बगहा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह उर्फ जय सिंह ने कराया है। इस शिविर में आए डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि आज इस निशुल्क शिविर के माध्यम से करीब 100 से ज्यादा लोगों की आंख जांच की गई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मोतियाबिंद के मरीज मिले हैं, जिनका संस्थान की ओर से निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। वही मौके पर उपस्थित पंचायत के उप मुखिया अनिल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जय सिंह के अथक प्रयास से ही आज इस गांव में निशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही अनिल गुप्ता और सुभाष राम ने पूरे पंचायत वासियों की ओर से जय सिंह को इस नेक और मानव कल्याणकारी काम के लिए धन्यवाद दिया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जय सिंह एक युवा नेता है, जो आज क्षेत्र के हर युवा वर्ग में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। वे लगातार अपने सामाजिक कार्यों और क्षेत्रीय समस्याओं की आवाज उठाने के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, जबकि आम तौर पर देखा जाता है कि चुनाव के बाद प्रत्याशी लोगों के बीच से गायब ही हो जाते हैं, किंतु देखा जाए तो जय सिंह अपने समाज सेवा के बदौलत ही आज क्षेत्र के लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाए हैं। जय सिंह ने कहा कि समाज के हर तबके के लोगों की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जी। कहाँ की है ये? मस्तिष्क छपरा सारण जिला में पड़ती है जी। ठीक है ना, यहाँ पे हर एक जिला में इसका ब्रांचेज है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये जो बस है, इसमें सारा सेटअप है, मशीन वगैरह सारा चीज है। इसमें जो भी मोतियाबिंद के मरीज निकलते हैं, उनको बस वहाँ मस्तिष्क से आती है, ऑपरेशन के लिए बुक होता है, उनको फ्री में ऑपरेशन सर्जरी होता है। 300 रुपया जो भी किराया भरा होगा, अच्छा, वो लेके पेशेंट को मुफ्त में इलाज किया जाता है जी, केवल मोतियाबिंद वालों का जी। और जिसको और भी प्रॉब्लम है, जैसे पर्दा में दिक्कत हो गया, ग्लूकोमा हो गया, जैसे पानी गिरना, चश्मे की जाँच, वो सब का भी व्यवस्था है यहाँ जी। आज यहाँ नदवा में कितने लोगों का जाँच हुआ है? यहाँ पे 100 लोगों की जाँच हुई, जिसमें 20 मोतियाबिंद का मरीज निकले और 20 जो है चश्मे का और दवा का मरीज। ऑपरेशन के बाद फिर उनका अधिक जांच भी, री चेकअप भी होता है? हाँ, री चेकअप जैसे फॉलो अप पेशेंट में होता है, जैसे 7 डेज के बाद फिर उससे री चेकअप किया जाता है कि कोई आपने शिविर में जांच किया जाता है कि फिर हॉस्पिटल में ही बुला के। यहाँ पे ब्रांच भी है, जैसे हर एक छोटा छोटा ब्रांच खोल दिया गया, जैसे यहाँ बगहा में है जी, रामनगर में है, यहाँ जहाँ जहाँ नजदीकी स्थान है वहाँ वहाँ खोला गया है। 7 दिन के बाद भी जांच होता है, जैसे कि कोई आंख में इंफ्लामेशन नहीं ना है इसी कारण से, इसलिए सबको ब्रांच खोल दिया गया। ठीक सर, आपका नाम क्या होगा सर? सर राजकुमार। कैंप जो लगाया गया है, इसके जो है कि आयोजन करता होंगे हमारे जो पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह उर्फ जय सिंह, उन्हीं के द्वारा हम लोग जो है कि यह अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के तहत यहाँ पे हम लोग कैंप लगवाए हैं लोग, जिसमें गरीब, असहाय, दलित, महादलित सभी लोगों का आँख का जो है निःशुल्क जाँच हो रहा है। अभी तक लगभग लगभग जो है कि 100 से ऊपर ही लोगों का जाँच हो चुका है और अभी फिलहाल हो ही रहा है। इसमें हम लोग जो है कि जय भैया के तहत पूरे पंचायत, मेरे हरिद्वार पंचायत के से जुड़े हुए कुछ और भी जो पंचायत है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं और जांच हो रहा है। इसमें ये लोग का जो है कि जो टीम है ये लोग का, इसमें जो है मोतियाबिंद या ऑपरेशन का भी व्यवस्था हुआ है, जिसमें खाना पीना प्लस रहना यह सारा निःशुल्क लोग का व्यवस्था है। निःशुल्क होता है क्या ऑपरेशन? निःशुल्क, हाँ, ऑपरेशन में जो है निःशुल्क होता है, बस केवल जो है कि लोग जाएंगे कैसे यहाँ से, जो है कि ये लोग का जो है कि अपना टीम वहाँ से, बस का टीम आएगा जो यहाँ से लोगों को जो है जितने भी लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं ये लोग यहाँ पे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से आएंगे। मात्र 300 रुपये लगता है उसके लिए कि आने जाने का, बस केवल कॉस्ट लगता है, बाकी जितना भी जो खाना पीना रहना और दवाई का जितना व्यवस्था है वह सारा चीज़ निःशुल्क है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल गुप्ता, हरिद्वार पंचायत के उप मुखिया हुए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे जय भैया को, जिनके तहत जो है कि कैंप का आयोजन किया गया था और उनके माध्यम से ही ये सारे टीम आए हैं, और उनको हमारे जो है हरिद्वार पंचायत की जितना भी जनता है उनको दिल से धन्यवाद करती है कि जय भैया जो है कि इस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं, हर जगह बढ़ा ही रहे हैं और जो है वो आगे बढ़ाएं।